नमस्कार माय डियर एस्पायरेंट्स, आई एम दीपक। आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के बारे में। बेसिकली कुछ चीज़ें कंप्यूटर में ऐसी हैं जो बेसिक नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पाती है, उसी को आज हमने जो है कोशिश की है कि आप तक वो चीज़ हम पहुंचाएं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कंप्यूटर का इतिहास और विकास। कंप्यूटर का इतिहास और विकास के बारे में आप लोग बेसिकली जानते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको बता दें कि सबसे पहले जो है हम लोग जो गणना करते थे वो उंगलियों पर आधारित होती थी। इसे जोड़ना है, घटाना है, आदि क्रिया आसानी से कर सकते थे, जिसका प्रयोग आज भी हम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ईसा से पूर्व लगभग जो है 450 साल वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम एक अवेकस क्या था, लकड़ी का एक फ्रेम था जिसमें तार लगे होते थे, तब प्रत्येक तार में मोती पिरोए जाते थे, इसका विकास हुआ। और यह अवेकस का विकास जो है चाइना में हुआ था, ठीक है। इसमें लगे मोतियों को सरकाकर ही गणना की जाती थी, इसका उपयोग आज भी विद्यालयों में किया जाता था। छोटी सी बात हमने आपको कंप्यूटर के इतिहास और विकास के बारे में बताई है, आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर के कालक्रम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि 1615 में एक स्कॉटिश गणितज्ञ थे जॉन नेपियर, उन्होंने हाथी की दांत की आयताकार छड़ों पर पंखों को खोदकर गणना की एक नई पद्धति को जन्म दिया था, और जिस जो पद्धति बनाई थी उनको नाम दिया गया था नेपियर बोन्स। क्या नाम दिया गया था? नेपियर बोन्स। इस नाम से यह प्रचलित हुई। इसमें क्या होता था कि संख्याओं से संबंधित क्षणों को पास पास रखकर गणितीय प्रक्रियाएं की जाती थी। और एक खास बात यह है कि जॉन नेपियर ने ही लॉगरिदम का विकास किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, MCQ में आएगा। उसके बाद नंबर हम आगे आपको बताएंगे कि 1620 में 5 साल बाद एक जर्मन वैज्ञानिक हुए थे एडमंड गुलेर। इन्होंने क्या किया था, एक स्लाइड रूल का विकास किया। यह यंत्र जो था कुछ मिलता जुलता था नेपियर बोन से। इसमें गुणा था भाग के अतिरिक्त अन्य गणनाएं आसानी से तीव्रता से की जा सकती थी। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन नया निकल के आ रहा है कि 1970 में पॉकेट कैलकुलेटर जब आए थे, एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि 1970 में पॉकेट कैलकुलेटर आए थे, ये क्वेश्चन ये बन गया। आगे आपको हम बताएंगे कि जब इनका ये कैलकुलेटर जब आ गया, पॉकेट कैलकुलेटर आ गया, तो जो इनका एडमंड गुलेर का जो स्लाइड रूल था इसका प्रचलन बिल्कुल बंद हो गया, मतलब कम हो गया था। फिर 1642 में जो है ब्लेस पास्कल आए, इन्होंने जो है अपना पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। पास्कल के पिता जो थे वो फ्रांस के पेरिस शहर में एक कर अधिकारी थे। चूंकि इन पर कार्य का बोझ अत्यधिक था तो इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा। तब पास्कल ने सोचा कि पिता का बोझ कम करें, तो उनका बोझ को कम करने के लिए उन्होंने एक मैनुअल मशीन यानी कि स्वचालित मशीन पास्कलिन का निर्माण किया था। और खास इस यंत्र की खास बात यह थी कि यह 6 व्यक्तियों के बराबर काम करता था। कुछ लोगों के अनुसार मानना है कि पास्कलिन का निर्माण 1692 में हुआ। इसके बाद 1804 में एक जोसेफ जैकार्ड नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कपड़ा बनाने के लिए लूम मशीन का विकास किया था, जिसका प्रयोग आगे चलकर कंप्यूटर के विकास में बहुत किया गया। फिर इसके बाद में सन 1822 में सर चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन का विकास किया था जिसका नाम था डिफरेंस मशीन। लेकिन बाद में 11 साल बाद 1833 में इसे कुछ बदलकर इसका नाम इलेक्ट्रिकल इंजन रख दिया गया। जो है इस प्रकार प्रयोग विभिन्न प्रकार की गणनाओं में किए जाते थे, इससे कंप्यूटर का विकास एक पीढ़ी के रूप में जाने लगा। और इसी कारण जो सर चार्ल्स बेबेज हैं, आधुनिक कंप्यूटर का जनक इन्हें माना जाता है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद 1890 में डॉक्टर हरमन होलरिस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक मशीन का विकास किया था जिसे पंचकार्ड को जो है विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित किया जाता था। 1940 की बात आई, 1940 में प्रथम कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम रखा गया Mark 1। और यह जो है विभिन्न गणनाएं बहुत तेजी से करता था। फिर उसके बाद 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध, और इसमें एक प्रश्न और निकल के आता है कि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसी टाइम JP एकर्ट और जनरल मुचली ने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम ENIAC रखा गया था, ठीक है। ENIAC का फुल फॉर्म हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और कहा जाता है कि ये दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तथा पूर्ण रूप से कंप्यूटर था। इसमें एक खास बात यह थी कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद 1949 में NV विकेस जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एडसेक कंप्यूटर का नाम था उसका विकास किया गया। और एडसेक का हम फुल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप
देख सकते हैं। 1950 में बॉन न्यूमैन ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसमें विभिन्न प्रोग्रामों को संग्रहित करके हल निकाला जा सकता था। यह द्वि अंकीय कोड सिद्धांत पर आधारित था। नोटेड दिस पॉइंट, इसका नाम एडवाक था और एडवाक का फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके पश्चात 1951 में अमेरिका ने एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जिसको प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहा गया। नोटेड दिस पॉइंट, अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किया जिसे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहा गया। उसके बाद 1953-54 की बात करें तो इसमें IBM नंबर 1, IBM नंबर 650। अब IBM नंबर 1 क्या होता है, इसके लिए हम स्पेशल वीडियो आपको बनाएंगे, लेकिन अभी हम IBM नंबर 1 और IBM 650 का जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ये कंपनी थी अमेरिका की, वहाँ इसको बनाया गया था। फिर इसके बाद जो है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर आने लगे। इसके बाद तो कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति होने लगी। तीव्र गति एवं छोटे आकार के कंप्यूटर भी जो है निर्माण होने लगे और एक तरीके से इसकी ओर सी लग गई, जिसके फलस्वरूप आज बाजार में जो है अत्यधिक तीव्र गति वाले तथा छोटे छोटे कंप्यूटर उपलब्ध हैं। वर्तमान में कंप्यूटर लोगों की एक आम एवं अनिवार्य जरूरत बन गई है। बिना कंप्यूटर के आज आप देख सकते हैं कि एक तरीके से जीवन कठिन एवं जटिल सा प्रतीत होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि सभी बैंक, वाणिज्यिक संस्थान कंप्यूटर के प्रयोग से ही कार्य निपटाते हैं। तो हमने कोशिश करी है कि कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देने की, जिसमें जो है कंप्यूटर का